योजनाएं बन रही हैं, और केवल एक योजना ये नहीं है, बल्कि सरकार तो अंतिम व्यक्ति के लिए जो उसकी कमी उसको पूरा करने के लिए तैयार है। अंत्योदय योजना, अंत्योदय माने अंतिम का उदय, अंतिम का उदय, आखिर में जो है गरीब है, जो बेसहारा है, जो इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको अपने जीवन में पैरों पर खड़े होने में कठिनाई आएगी, फिर उसकी चाहे रहने की आवास की कमी हो, उसका रोजगार की कमी हो, उसके पास दो समय का भोजन इसकी कमी है, उसके पास पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी है, तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 8,000 रुपए से लेकर के और 15,000 रुपए तक सालाना छात्रवृत्ति दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी एक योजना चलाने जा रहे हैं और आज शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है आयुष्मान भारत। और आयुष्मान भारत में ये जो हम बीमार पड़ जाते हैं घर में, हमारे इलाज में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है ना मुरीदी बीमारी के घरों के अंदर पैसा नहीं होता, खर्च करना है, प्राइवेट अस्पताल वाले पैसे बिना सुनते नहीं हैं, सरकारी अस्पताल में शायद उस प्रकार की सुविधा होती नहीं है, कई बार सरकारी अस्पताल में भी होती है वो भी हमें कहते हैं दवाइयां बाहर से लाओ, ये करो वो करो। तो आज से गरीब परिवारों के लिए, हरियाणा के 15.5 लाख परिवारों के लिए एक योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, हम यहाँ करनाल से करेंगे, कि उनके परिवार को 5 लाख रुपए का इलाज ये सरकार कराएगी मुफ्त।